नमस्कार, आप लाइव सिटी देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लॉकडाउन पूरे देश में जारी है, जिसके वजह से कई सारी परेशानियां जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। देश किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है, बहुत सारे लोग मिलकर देश को चलाते हैं। दूध तो आजकल सबको मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो पशुपालन करते हैं, दूध का व्यापार करते हैं। मिठाई की दुकानें आजकल बंद है, चाय की दुकानें आजकल बंद है, उसके वजह से उनको काफी सारा नुकसान हो रहा है। पशुओं को केवल जीवित रखने के लिए वो चारा खिला रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसी तरह से कहीं से चारा लाकर पशुओं को खिलाया जा रहा है, ताकि उनको जीवित रखा जा सके। ज्यादा डोज भी नहीं दिया जा रहा है कि दूध का उत्पादन हो, क्योंकि अगर दूध का उत्पादन ज्यादा होगा तो फिर वो कहीं बिकेगा नहीं और बर्बाद हो जाएगा। किसान क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। और अभी दूध का डिमांड कितना, मतलब 0.1 है ना, दूध का डिमांड 0 है। तो किस तरह, मतलब आप लोगों का डेयरी चल रहा है अभी? डेयरी राम भरोसे चल रहा है, कोई कुछ नहीं। कुछ नहीं, जो लोग सेवा करने का मौका है गाय का, वो सेवा करते हैं, जिंदा रखे हुए हैं। तो जैसा कि आपने किसान की बात सुनी, बताया गया है कि नुकसान काफी हो रहा है, क्योंकि आजकल दूध का व्यवसाय जो है वो ठप पड़ा हुआ है। सिर्फ डेयरी की दुकानों पर दूध अवेलेबल होता है, और हर किसान सुधा या फिर अमूल जैसे कंपनियों को दूध नहीं बेचते हैं, जिसके वजह से काफी सारी परेशानियां हो रही है। मुजफ्फरपुर के पशुपालक पदाधिकारी हैं, वो इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। दूध व्यवसाय से जुड़े लोग हैं जिनका डेयरी चल रहा है, उनका कहना है कि जो पहले हम लोग जो पशुओं को चारा देते थे वो कम कर दिए हैं, चूँकि दूध की मात्रा कम हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं किसान थोड़ा बहुत परेशान जरूर है। ऐसा है कि पशुओं को एक मेंटेनेंस राशन देना आवश्यक होता है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख के, कि इतना उनके शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उसके बाद एक प्रोडक्शन राशन होता है कि दूध जितना हो रहा है उसके अनुसार उनको कंसंट्रेट फीड देना जरूरी होता है। तो चूँकि जो हाई लिंक हाउस है जो ज़्यादा दूध देती है, तो उनको जब तक आप प्रोडक्शन राशन नहीं देंगे तब तक आपका दूध मेंटेन नहीं रहेगा। अभी की जो स्थिति है उसमें दूध की खपत कम हुई है, किसान अपने दूध को मिठाई की दुकान बंद हो गई है, चाय की दुकान नहीं चल रही है, तो उसमें जो खपत होता था दूध का वो नहीं हो पा रहा है। तो किसान क्या कर रहे हैं कि कुछ अपने लागत को भी कम कर रहे हैं, और उनको जो कंसंट्रेट देना है उसको थोड़ा कम कर दिया है, जिससे कि दूध की भी का उत्पादन उनका कुछ कम हुआ है पहले से, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि एक उनको स्वस्थ रखने के लिए जितनी आवश्यकता होती है राशन की वो ऑलरेडी वो उसमें है ही। तो इसलिए पशु के स्वास्थ्य पर कोई असर इसका नहीं पड़ रहा है। यही है कि जब चाहेंगे कि हाँ हमको दूध ज़्यादा चाहिए तो उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो दूध का उत्पादन जो है उनका किसान जो है, जो अभी जो चारा जो कम कर दिए हैं, उनको क्या ऐसे करना चाहिए जिससे पशु का फिर आने वाले समय में तबीयत भी ख़राब नहीं हो और उनका जो प्रोडक्शन है वो बरकरार हो जाए? उनको चाहिए कि हरा चारा यदि उपलब्ध हो तो उसकी मात्रा बढ़ा दें, सूखा चारा हरा चारा मिला कर दें, और फीड में मिनरल मिक्सचर को ज़रूर दें। मिनरल मिक्सचर की मात्रा को कभी कम नहीं करें, क्योंकि मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो फिर आगे उनका रिप्रोडक्शन में दिक्कत आएगी। कंसंट्रेट की मात्रा थोड़ा कम दे सकते हैं, जिससे कि उनका उनका जो मेंटेनेंस राशन है वो पूरा होता रहेगा और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। गर्मी यदि बढ़ती है तो पर्याप्त मात्रा में पानी दिन में 2-3 बार उनको जरूर पिलाएँ, और जहाँ तक हो सके पशु को छाए में ही रखें, धूप में कभी भी उसको नहीं निकालें, है ना। यदि जर्सी गाय है या जो भी अपने जो विदेशी नस्ल की गाय है, तो उस सबको दिन में 2 बार स्नान कराना। जो तस्वीरें आपने देखी वो मुजफ्फरपुर की है। किसान काफी परेशान है, अलग अलग तरह की तस्वीरें हम आपको लॉकडाउन की दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां फूल की खेती करने वाले किसान परेशान हैं, वहीं अब डेयरी उत्पादन करने वाले पशुपालक किसान जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, हर एक पहलू को ठीक से देख कर सभी चीजों का उपाय निकालने की जरूरत है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।